परमात्मा के नया वाचा। एक ठे स्वर्गदूत एक ठे जवान मेहरिया मरियम से कहिन कि वह परमात्मा के बेटबा का जन्म दई। वह अभू भी कुंवारी रही पर पवित्र आत्मा ओके पास आओ अब वह गर्भवती भई। वह एक ठे बेटबा का जन्म दईस जखर नाम यीशु रखीस। यही से यीशु परमात्मा और मनुष्य दोनों हैं। यीशु बहुत से चमत्कार करीन जौन दिखा था कि ऊ परमात्मा हैं। ऊ पानी में चलिन और आंधी का शांत करीन। ऊ बहुत से बीमार मनैन का चंगा करीन और बहुत से मनैन में से दुष्ट आत्मा का निकालिन। ऊ मरे मनैन का जिंदा कर दईन और ऊ 5 रोटी और 2 मछलिन का 5,000 मनैन का खिलामा खिलाने पर्याप्त भोजन में बदल दईन। यीशु एक ठे महान शिक्षक भी रहे हैं। जौन कुछ भी वह सिखाइन वही ऊ सिद्धता के साथ सिखाइन। जौन ऊ मनैन से करे के लाने कहत थी वह उन्हीं करा का चाहिए। कैसे ऊ परमात्मा का बेटबा है। उदाहरण के लाने ऊ सिखाइन कि तुम्हें दूसर मनैन का और वह रीति से प्रेम करे का आवश्यकता है जैसे तुम खुद का प्रेम करते हैं। ऊ यह भी सिखाइन कि तुम्हें सब वस्तुओं से ज्यादा और अपन संपत्ति से भी ज्यादा परमात्मा का प्रेम करका चाहिए। यीशु कहिन कि संसार में कोनो भी चीज का प्राप्त करे से ज्यादा अच्छा है परमात्मा के राज्य में होए का। ओखे राज्य में तुम्हारे प्रवेश करे के लाने आवश्यकता है कि परमात्मा तुम्ही तुम्हारे पापन से बचाई। यीशु कहिन कि कुछ मने वही ग्रहण करही परमात्मा उमनैन का बचाई पर दूसर मने वही ग्रहण नहीं करही। वो यह भी कहिन कि कुछ मने अच्छी भूया के समान है। कैसे ऊ यीशु के बारे में शुभ संदेश का स्वीकार कर लेते और परमात्मा उन्हें बचाऊ थे पर कुछ मने मार्ग के कठोर भूया के समान है। परमात्मा के वचन दाना के समान मार्ग में गिरत है पर हुन कुछ भी नहीं उगत है। या मने यीशु के बारे में संदेश का अस्वीकार कर देते ऊ उखे राज्य में प्रवेश करे से इनकार कर देती। यीशु सिखाइन कि परमात्मा पापिन से बहुत प्रेम करत थी। उन्हीं क्षमा करे का चाहती और उन्हीं अपन संतान बनामा का चाहती। यीशु यह भी बताइन कि परमात्मा पाप से घृणा करत थी। कैसे आदम और हव्वा पाप करिन यही से उनकर सारा वंश भी पाप करिन। यह संसार में रहा वाला हर जन पाप करत है और परमात्मा से दूर है। हर जन परमात्मा के शत्रु है पर परमात्मा या संसार में रहा वाले हर जन से या रीति से प्रेम करिन कि ऊ अपन इकलौता बेटबा का दई दईन ताकि परमात्मा उन्हीं दंड न दे जन्मा में विश्वास करती। इखे बजाय ऊ ओखे साथ हमेशा खिलाने रही। तुम मरक योग्य है कैसे तुम पाप करे है। तुमसे परमात्मा के गुस्सा वही का उचित ही है। याखर अपेक्षा ऊ यीशु में गुस्सा भी ऊ यीशु का क्रूस के मृत्यु दंड दई के दंड दईन। यीशु कभू पाप नहीं करिन पर परमात्मा उन्हीं दंड दई दईन। वह मर जाए का स्वीकार करिन। यह रीति से तुम्हारे पापन का और यह संसार में रहा वाले हरजन के पापन का उठा ले जाए के लाने वह एक थे सिद्ध बलिदान रहे हैं। यीशु खुद का परमात्मा के लाने बलिदान कर दईन। ऐसे परमात्मा कोनो भी पाप का यहाँ तक कि भयंकर पापन का भी क्षमा करत हैं। भले ही अगर तुम अच्छे से अच्छे कामन का करते हैं तो एके द्वारा परमात्मा तुम्ही न बचाई। उनकर मित्र बना के लाने ऐसा कुछ भी नहीं है जौन तुम कर सकते हैं। उनकर अपेक्षा तुम्हें विश्वास कर कहा कि यीशु परमात्मा के बेटवा आए और वह तुम्हारे बदले में क्रूस में मर गए और यह भी कि परमात्मा वही फिर से जिंदा कर दें। अगर तुम यह मां विश्वास करिया तो परमात्मा तुम्हारे पापन के क्षमा कर दई हूँ। परमात्मा वह हरजन का बचाई जौन यीशु में विश्वास करत है और उन्हीं अपन प्रभु स्वीकार करत है। ऊ उन्हीं न बचाई हूँ जौन उनखर पर विश्वास नहीं करत है। ये कोनो मायने नहीं रखा था कि तुम धनी है या गरीब है मैंसरुआ है या मेहरिया है बूढ़ा है या जवान है या तुम कहाँ रहते हैं। परमात्मा तुम्हें प्रेम करत हैं। ऊ चाहत हैं कि तुम यीशु पर विश्वास कर कि ऊ तुम्हार मित्र बन सके।
यीशु तुम्हें बुलाए रहे हैं कि उनखर पर विश्वास करा और बपतिस्मा लिया। क्या तुम विश्वास करते हैं कि परमात्मा के इकलौता बेटवा यीशु मसीह है? क्या तुम विश्वास करते हैं कि तुम एक ठे पापी है और यह कि तुम परमात्मा द्वारा तुम्हें दंडित करे जाए के योग्य है? क्या तुम विश्वास करते हैं कि तुम्हारे पापन के मिटामा के लाने यीशु क्रूस में मरीन? अगर तुम यीशु में और जौनू तुम्हारे लाने करीन है वह में विश्वास करते हैं तब तुम एक ठे मसीही है। शैतान अपन अंधकार के राज्य में अब तुम्हारे ऊपर शासन न करी, अब परमात्मा अपन प्रकाश के राज्य में तुम पर शासन करी। वो तुम्हें पाप करे से रोक दे नहीं, जैसे तुम करे करत रहे है वह तुम्हें एक ठे नया उचित जीवन दे ही। अगर तुम एक ठे मसीही है तो जौन यीशु करीन है ओखे कारण परमात्मा तुम्हारे पापन का क्षमा कर दे है। अब परमात्मा एक ठे शत्रु के अपेक्षा तुम्हें एक ठे घनिष्ठ मित्र माना थे। अगर तुम परमात्मा के मित्र है और प्रभु यीशु के सेवक है तो तुम उन बातन के पालन करे के इच्छा करा जौन यीशु तुम्हें सिखाऊ थे। भले तुम एक ठे मसीही है शैतान अभू भी पाप करे के लाने तुम हाथ परीक्षा करी, पर परमात्मा हमेशा वह करत है जौन ऊ कहत है कि ऊ करही। ऊ कहत है कि अगर तुम पापन का मान लई है त ऊ तुम्हें क्षमा कर दई हूँ, ऊ तुम्हें पाप के विरुद्ध लड़ा का सामर्थ दई हूँ। परमात्मा तुम्हें प्रार्थना करा और उखे वचन का पढ़ा के लाने कहत है। ऊ तुम्हें दूसर विश्वासिन के साथ मिलके वाखर आराधना करे के लाने भी कहत है। तुम्हें दूसर मनिन का भी बतामा कहा कि ऊ तुम्हारे लाने का करी नहीं। अगर तुम इन सब बातन का करिया तब तुम उनखर एक थे पक्का मित्र बन जाइ। रोमियो 3:21-26, 5:1-11, यूहन्ना 3:16, मरकुस 16:16, कुलुसियों 1:13-14, 2 कुरिन्थियों 5:17-21, 1 यूहन्ना 1:5-10 से बाइबल की एक कहानी।